एवरीवन, मैं हूं अदिति और आप है मेरे चैनल फ्लोरा फ्रेंजी पे, जो है पौधों के लिए दीवानगी। और वही दीवानगी आज देखिए मुझे कितनी अच्छी जगह लेकर के आ गई है। आप मेरे जो चारों तरफ ये इतनी सारी कलात्मक चीज़ें देख रहे हैं, दिस इज़ कॉल्ड एज टोपियारी। और ये है सारी की सारी जेड प्लांट की टोपियारी, विच इज़ अ वेरी वेरी ईजी प्लांट टू ग्रो। सो इस सब के पीछे जो आर्टिस्ट हैं, मैं आपको उनसे मिलवाने जा रही हूँ, और वो हैं हमारी बेहद पसंदीदा सुषमा जी। सुषमा जी प्लीज़ आइए। नमस्कार अदिति जी, वेलकम टू आवर चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बड़ी मुश्किलों से हमारा टाइम सेट हुआ, तो फाइनली वो दिन आ गया है कि आज हम आपका सारा का सारा कलेक्शन देखने आ गए हैं, प्लस अपने सारे व्यूअर्स को भी वो दिखाने के लिए आ गए हैं। थैंक यू अदिति कि तुमने इस लायक मेरा समझा कि यहाँ पर आप शूट करने आए और मुझे मोटिवेशन भी मिलेगा। इतने सालों पहले मैं यहाँ पर आई थी, कुछ मेरे ख्याल से 5-6 साल पहले आई थी, और जब मैंने यहाँ पर देखा मुझे इतना मज़ा आया आपका कलेक्शन देख करके, और जिस तरह से आपने उसको रख रखा था। थैंक यू। और उसके बाद तो फोटोग्राफ्स में ही देख रहे हैं, बट दिस इज़ वेरी वेरी प्रिटी। सो पहले हम लोग जानते हैं कि सुषमा जी को ये आइडिया कैसे आया, ये इंटरेस्ट कैसे जागा, एंड हाउ डज शी स्टार्टेड क्रिएटिंग ऑल दीज थिंग। तो आप हमें बताइए कि व्हाई टोपियरीज। अदिति जी, जैसे टोपियरीज से बोलते हैं, जैसे कि अपन किसी भी प्लांट को कुछ सुंदर सी शेप देना। प्लांट इजी टू ग्रो होता है, लेकिन उसको अपन कुछ ना कुछ अच्छी सी शेप दे देते हैं, कुछ ब्यूटीफुल लुक दे देते हैं, तो वो टोपियरीज होता है। बोलते हैं, तो टोपियरीज वैसे तो फ्रेम में बनता है कि जैसे कोई एनिमल की शेप दी या पक्षी की शेप दी, लेकिन जो हम पुराने जमाने में गार्डन वार्डन में देखते थे, जिराफ है, हाथी है वगैरह वगैरह, उसके लिए अपन को फ्रेम बनवाना पड़ेगा मार्केट से। लेकिन अपन को अगर सस्ती गार्डनिंग करनी है कि बहुत ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना, तो ये सारी जो शेप बनाई है वो घर में जो भी अपने पास सामान है जी, तो सिंपली वायरिंग से ही मैंने सारी शेप्स बनाई है। और बहुत अच्छा प्लांट है, बहुत इजी ग्रो होता है, और इसको मन चाहिए कोई भी शेप दे देते हैं। तो बस ये टोपियरीज, इसीलिए जैड की मैंने इतनी सारी टोपियरीज बना ली कि मेरे पास जैड बहुत सारा हो रहा था, तो फिर लगा कि कुछ नया शेप दी जाए इनको। बिल्कुल, क्योंकि वाइल्डली बढ़ रहा था, तो फिर लगा कि धीरे धीरे कि इनको कुछ अपन अच्छा लुक दें, तो बस धीरे धीरे ये सारा कलेक्शन हो गया। ओके, सो टोपियारी, क्योंकि बहुत सारा आपका जेड जो था वो ऐसे बढ़ रहा था, तो आपने पहली बार कहाँ पर देखा कि इस तरह की टोपियारी बन सकती है? पहली बार जो अपने जयपुर में गार्डन बाजार लगता है, तो वहाँ पे बहुत सारे आर्टिस्ट आते हैं अपनी सारा कलेक्शन लेकर के, तो मुझे आइडिया वहाँ से मिला कि अपन भी कुछ इस तरीके का बना सकते हैं, तो बस वहीं से मैं आइडिया लेकर आई। और बिल्कुल, तो जल्दी जल्दी अपने सारे व्यूअर्स को हम आपका जो टोपियारी का कलेक्शन है सबसे पहले वो दिखा देते हैं। तो मैंने बोला कि ये वाली टोपियारी देखते हैं, और सुषमा जी ने बताया कि यही इनकी सबसे पहली टोपियारी है। अरे वाह, तो ये इतनी बड़ी सारी कैसे बनी और इस शेप को क्या बोलते हैं? ये एक्चुअली मैं अदिति ओवल शेप ही बोलेंगे इसको, बॉल की तरह ही है। तो मेरा क्या है, जेड बहुत ज्यादा वाइल्डली बढ़ रहा था, तो मैंने सोचा कि इसको कुछ अपन नया शेप दें, तो मैंने बस ये थोड़ा सा इसमें वायरिंग वायरिंग की, और इसमें थोड़ा सा इस तरीके से वायरिंग की, और फिर इसमें प्लांट्स लगा दिए। हालांकि मुझे टाइम बहुत लगा उसमें बनाने में। कितनी साल पुरानी होगी है ये? कम से कम 6-7 साल पुरानी है। 6-7 साल पुरानी टोपियारी है ये। ओके। लेकिन उस टाइम जिस दिन अपन बनाने बैठते हैं, उस टाइम अपना कोई लुक नहीं आता है, उस टाइम तो अपन को लगता है कि सारा अपना खराब नहीं हो जाए प्लांट, लेकिन जब धीरे धीरे इसमें ग्रोथ आई, कटिंग रेगुलर रही, तो फिर अच्छा लुक आया इसका, और टोपियारी अपनी बन करके निकली, तो दिल खुश हो गया। बिल्कुल एकदम, मतलब कितनी बड़ी टोपियारी बनी है और इतनी खूबसूरत बनी हुई है कि बहुत ही अच्छी लग रही है। मेरे ख्याल से ये दो भी आप उसी तरीके से बना रहे हैं। हाँ, ये दो में मैंने पाइप लगाया, ड्रेनेज पाइप जो होता है बीच में, वो लगाया है, और उसके साइड में प्लांट्स की कटिंग लगाई है, और फिर ग्रो करके बस अपन को रेगुलर पिंचिंग और कटिंग करनी है। रेगुलर अगर टोपियरी को मेंटेन करना है, तो बस रेगुलर कटिंग की जरूरत होती है कि हर 15 दिन अपन को कटिंग करनी है। ओके, सो आगे हम लोग चलते हैं, तो मुझे लग रहा दिख रहा है कि आपने बॉटल वगैरह के साथ में ये बनाई हुई है। ये जो है एक बहुत ही सुंदर टोपियारी है, तो ये वाली जो शेप है बड़ी क्यूट लग रही है और वैलेंटाइन डे की थीम की लग रही है। तो हाँ, हार्ट शेप टोपियारी है, इसको आपने कैसे बनाया? इसको भी अदिति मैंने हार्ट की शेप में इसमें फ्रेम लगाया है, और फिर उसमें बस साइड में वही प्लांट लगा करके, और धीरे धीरे और कटिंग कर करके, और फिर वो बन गई। ओके, तो हम आज सारी की सारी इनकी जो जितनी सारी टोपियारी के डिजाइन है वो सारे देखने वाले हैं। ये जैसे मैंने की 5-7 कटिंग ली है, और इसको थोड़ा पिरामिड की शेप में दिया है। अच्छा, और आगे बुद्धा बिठा दिया है, और बस एक स्टिक लगाई है। तो ये है पिरामिड शेप का टोपियारी,
और इसके अंदर ये मज़े की बात यह है कि इसमें बहुत सारी कटिंग्स जो हैं उनसे इनको लगाया गया है, और क्योंकि पिरामिड जैसा होता है कि नीचे से तो चौड़ा होता है और ऊपर जाते जाते सकड़ा होता जाता है, तो यहाँ से चौड़ा है, ऊपर जाते जाते वो सकड़ा होता गया है। इसी डिज़ाइन को ध्यान में रखते हुए टोपियारी जो है बनाई गई है। तो बेसिकली टोपियारी में ऐसा नहीं है कि भाई आप यही बना सकते हैं, आपको जो आपकी क्रिएटिविटी में आ जाए आप वही बना सकते हैं, क्योंकि मैंने ये पिरामिड शेप मैंने नहीं देखी थी कभी, बट आई रियली लाइक इट, वेरी इजी टू मेक और आसानी से बन जाएगी और अच्छी भी लगेगी। दिस वन इज आर्च जी, ये आर्च बनाई है, जो बाउंड्री बनाते हैं चेक्स वाली डिजाइन की, तो वो वाला फ्रेम मैंने काम में लिया है। अच्छा। और उसके साइड में वही प्लांट अगेन, तो लोहे की जाली जो होती है नॉर्मली हार्डवेयर शॉप से मिल जाती है, वहां से अपन ला सकते हैं और उससे अपन बना सकते हैं, तो लोहे की जाली थोड़ी सी मोटी रहे कि वो खुद सस्टेन कर सके, कोई भी शेप में दे दीजिए आप तो उसमें अपन काम में ले लेते हैं। ओके, अभी तक व्यूअर्स को बताना चाहूंगी कि मैं हमेशा वायर से बना रही थी, बट कुछ सालों से मैंने भी 2-3 साल से देखना शुरू करा है कि सब जने ना वायर की जाली काम में लेते हैं और वो ज्यादा सक्सेसफुल रहती है, थोड़ी मोटी वाली होनी चाहिए। सो ये वाला कौन सा शेप है? ये भी ओवल शेप है, मैंने देना तो कुछ और चाहा दी थी लेकिन बन कुछ और गया। तो गार्डनर्स ऐसा तो होता है कि आप शुरू कुछ और करके करते हैं, इमेजिनेशन तो किसी चीज और की थी लेकिन निकल के कुछ और आया। सो ट्रू एंड दीज आर, जो मैं बहुत सारे देख रही हूँ जो बॉल शेप है, जो कि काफी कॉमन है और सब अपने घर में बना करके रखते हैं और बड़ा आसान भी है उसको बनाना, तो मटका बीच में रख दीजिए, मटका रख दीजिए, कोई भी आपके पास में बोतल है, डब्बे है, कोई भी किसी भी शेप के हों तो अपन कोई भी लुक दे सकते हैं उसमें। ये जरूरी नहीं कि राउंड शेप ही देना है बॉल के लिए, बेसिकली राउंड शेप जैसे इसमें है कि इसमें मैंने बोतल फसाई हुई है, ये देखिए स्टील की बोतल है मेरी, ये खराब हो गई थी तो मैंने ये फसाई हुई है और इससे ये वाला शेप दिया हुआ है। तो मैं बार बार व्यूअर्स से ये कहती हूँ, गार्डनर के घर में कोई भी जो चीज वेस्ट होती है वो देखिए ऐसे काम में आ जाती है। ओके, सो ये तो है हमारी पूरी की पूरी बॉल शेप। आई कैन ऑल्सो सी ये भी आपने बड़ा क्यूटली ये बना रखा है, इसमें आपने दोबारा से बॉल ही बनाने की सोची थी? नहीं, बॉल नहीं बनाई थी मैंने ये बहुत ही प्यारा बर्ड नेस्ट बनाया है, ये सिंगल स्टेम में ही बना हुआ है। वेरी नाइस, सिंगल बॉन्साय है और एक ही स्टेम जा रही है और इसको इस तरह से बनाया गया है कि बीच में खाली जगह हो गई और बर्ड का नेस्ट इसमें लगा दिया। इसमें जो सारी ब्रांचेस थी मैंने उसको साइड में सारा इकट्ठा करके उसको टाई कर दिया और बीच में बर्ड नेस्ट बना दिया, तो ये बहुत अच्छा लुक आ गया, बहुत ही सुंदर लग रहा है और एकदम नॉवल लग रहा है कि बर्ड नेस्ट बन गया। तो सुषमा जी, मुझे यहाँ 3 आर्च दिख रहे हैं और तीनों का डिजाइन जो है वो काफी डिफरेंट है, ये थोड़ा ज्यादा गोलाई में आ गया है, ये ऊंचे से थोड़ा टेपर है और वो वाला और थोड़ा सा अलग है, तो मेरे ख्याल से प्लांट बनाते बनाते अपने आप ही जो कटिंग होती है उसके हिसाब से ये बन जाते हैं। कटिंग के हिसाब से नहीं अदिति, ये शेप के हिसाब से है, जैसे कि ये इस तरीके की जाली में काम में लेती हूँ, व्यूअर्स को भी दिखा देते हैं, तो इस तरीके की जाली में काम में लेती हूँ, तो इसको अगर हम इस तरीके से शेप देंगे, इस तरीके से अगर हमने रखा है तो फिर ये वाली शेप बन जाएगा, वो इस तरीके की शेप आ गई, और इसको अगर हम राउंड शेप में रखेंगे इस तरीके से ये इजीली मुड़ जाती है आराम से, तो इस तरीके से हम शेप रखेंगे तो ये वाली शेप हो जाएगी। तो ये अपने ऊपर है कि अपन को इसमें क्या शेप देनी है, इसकी हार्ड शेप भी दे सकते हैं, कोई भी शेप हम दे सकते हैं इसकी, इजीली ये मुड़ जाता है, और फिर आप बहुत सारी कटिंग्स जो होती हैं उनकी लगा दें और उनको कटिंग्स लगा देते हैं, अगर रूटेड हो तो बहुत ज्यादा अच्छा है कि रूटेड प्लांट जल्दी से सर्वाइव कर लेता है और जल्दी से ग्रो हो जाता है, तो रिजल्ट बहुत अच्छे से अपन को जल्दी मिल जाता है। बिल्कुल, सो हमने देखी बॉल वाली टोपियारी, हमने देखी हार्ट वाली, हमने देखी नेस्ट वाली टोपियारी, और मेरे ख्याल से अब हमारी जो सबसे ज्यादा अमेजिंग वाली देखने के लिए बची है वो बची है मोर वाली। सो जो मोर वाली है वो अगेन बहुत ही ज्यादा फेमस टोपियारी है। सो ये जो है ये है पीकॉक वाली टोपियारी, और इसको हमेशा बड़े गमले में मेरे ख्याल से बनाते हैं और वाइडली ग्रो करने दें तो इस तरह से। सो दिस इज अ वेरी वेरी प्रिटी टोपियारी, काफी अच्छे से मैनिक्योर्ड है कि जो मोर है वो मुंडेर पे बैठा है और काफी सुंदर लग रही है। वही मुझे ये पीछे भी दिख रहा है, ये एक्चुअली में बोनसाई है, थोड़ा बहुत ट्राई किया है, बोनसाई बहुत ज्यादा एक्सपर्ट तो नहीं हूँ बोनसाई बनाने का, लेकिन बस थोड़ा सा ट्रायल है, और ये कैस्केड स्टाइल की बोनसाई है, तो कैस्केड जो गिरता हुआ बोनसाई होता है नीचे उसको बोलते हैं कैस्केड, वो थोड़ा सा ट्राई किया है तो वो वाली स्टाइल है, ये कैस्केड की बोनसाई है ये। बहुत ही अमेजिंग, इतना सुंदर कलेक्शन है सुषमा जी का, जिसको देख करके मतलब मैं यहाँ देख रही हूँ बोनसाई वाली और भी देख सकते हैं हम लोग, जैसे एक ये भी आपने छोटी वाली जो बनाई हुई है,
ये भी पूरा बॉन्जाय है, देखिए इसका ट्रंक कितना सुंदर है और पैड्स भी इसके अंदर काफी अच्छे सारे बने हुए हैं। तो काफी सुंदर सुंदर टोपियारी इसके काफी डिजाइन हैं जो आप ट्राई कर सकते हैं और बना सकते हैं। सो मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टोपियारी जो है वो मेरी देखने से बच गई है और आपको दिखाने से बच गई है। सो ये क्या है सुषमा जी? अदिति ये मैंने बनाया तो दो थे, ये एक से एक जैसे पॉट में मैंने दो क्वेश्चन मार्क बनाए थे, तो दोनों अच्छा। को जब पास पास रखते हैं हाँ। तो हार्ट की शेप हार्ट शेप बन जाता है। तो ये मेरा एक पॉट खराब हो गया और अच्छा। एक ही बचा है, तो अब ये क्वेश्चन मार्क हो गया, मार्क ही रह गया ये। सो दिस इज अ क्वेश्चन मार्क, और बड़ा ही मैंने आज तक टोपियारी क्वेश्चन मार्क वाली तो नहीं देखी, और ये बड़ी सही लग रही है और आइडिया भी मुझे बड़ा सही लगा कि आप दो को मतलब जो नहीं आते पेंडेंट्स आते हैं हार्ट को जोड़ने वाले और तोड़ने वाले, तो उस तरीके से ये इन्होंने प्लान करी थी। तो बहुत ही अमेजिंग कलेक्शन है सुषमा जी, आई हैव टू टेल यू, और देखने में इतना ज़्यादा मज़ा आया कि इतने इतने तरह का हम एक सिंपल सा प्लांट जो कि जेड है, जो इतना आसानी से उग जाता है, कटिंग से भी उग जाता है, उसको आपने इतने नॉवल तरीके से काम में ले रखा है, एंड इट इज़ योर क्रिएटिविटी कि आप उसे कैसे बनाएंगे। बट मुझे पता है कि आप सोच रहे होंगे केवल देखने से क्या होगा, बनाना भी तो बताओ। सो मैं सुषमा जी के साथ में नेक्स्ट एपिसोड में दोबारा आऊंगी और हम सुषमा जी से टिप्स लेंगे कि भाई टोपियारी बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और कितने टाइम में हमारी जो टोपियारी है वो बन के रेडी हो जाती है। सो डोंट गो एनीवेयर, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको इन सारी टोपियारीज में से कौन सी टोपियारी सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। एंड वी विल सी यू वेरी वेरी सून, बाय बाय।